स्वागत है आपका। आज होने वाला है आईपीएल 2019 का क्वालिफायर 2 चेन्नई सुपर किंग और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ये मैच है। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे दोनों ही टीम की वीकनेस की, कि क्या वीकनेस जो है वो निकल कर आई है दोनों ही टीम की आईपीएल 2019 में, और कितना फर्क जो है इस टीम को पड़ सकता है उस वीकनेस से इस मैच में। तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग के वीकनेस की। तो चेन्नई सुपर किंग का जो सबसे पहला वीक पॉइंट निकल कर आया है वो है दोस्तों इनका टॉप ऑर्डर। टॉप ऑर्डर ने दोस्तों उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं किया इस साल जिस तरह का परफॉर्मेंस चेन्नई सुपर किंग को चाहिए था। चाहे हम शेन वॉटसन की बात करें, फाफ डुप्लेसिस की बात करें, रायना की बात करें, राइडू की बात करें, यहाँ पर सारा का सारा भार जो है वो आया है महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर, और काफी सारे मैचेस एमएस धोनी ने अपने दम पर जिताए हैं। और क्वालिफायर 1 भी जो ये टीम हारी है उसमें सबसे बड़ी वजह जो है वो इनका टॉप ऑर्डर फेलियर ही था। तो टॉप ऑर्डर को यहाँ पर काम करना पड़ेगा, नहीं तो एक और बार मुसीबत में फंस सकती है चेन्नई सुपर किंग की टीम। बात करें दोस्तों दूसरी कमजोरी की, तो दूसरी कमजोरी इस टीम की रही है इनकी फील्डिंग। फील्डिंग का स्तर काफी ज्यादा नीचे रहा है चेन्नई सुपर किंग का इस साल। अगर हम दोस्तों लास्ट मैच को ही देखें तो वहां पर काफी सारी मिस फील्डिंग हमें देखने को मिली, जहां पर सूर्य कुमार यादव का कैच जो है वो स्टार्टिंग में छोड़ा गया, और इसी वजह से चेन्नई सुपर किंग की जो टीम है वो उस मैच को हारी। तो यहाँ पर फील्डिंग को ठीक करना पड़ेगा चेन्नई सुपर किंग की टीम को, वरना ये टीम जो है काफी स्ट्रगल करते हुए इस मैच में हमें दिखाई दे सकती है। तो ये बात हुई दोस्तों चेन्नई सुपर किंग की। अब बात करते हैं यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स के वीकनेस की। तो इस टीम की सबसे पहली और सबसे बड़ी जो वीकनेस है वो है दोस्तों इनका लोअर ऑर्डर, जहां पर स्टार्ट इस टीम को काफी अच्छी मिलती है लेकिन उसको एंड जो है अच्छा नहीं कर पाते। ये लास्ट मैच में भी दोस्तों हमने देखा था कि किस तरह से ऋषभ पंत एंड में आउट हो गए थे और मैच जो है वो लास्ट में जाकर फंसा था, और यही हमें काफी बार देखने को मिला है दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से। तो दिल्ली कैपिटल्स को यहां पर ये देखना होगा कि जो भी प्लेयर एंड तक जाए वो मैच को जो है वो फिनिश करे, वरना ये टीम जो है वो काफी बड़ी दिक्कत में आ सकती है, क्योंकि सामने चेन्नई सुपर किंग जैसी टीम है जिनके पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है ऐसे सिचुएशन में खेलने का। बात करें दोस्तों दूसरी वीकनेस की, तो यहां पर रबाडा का जो अब्सेंस है वो भी इस टीम के लिए काफी बड़ा वीक पॉइंट है, जहां पर फास्ट बॉलिंग लाइनअप उतनी धारदार नहीं रही जितनी रबाडा के रहने पर रहती थी, और ये एक और छोटी सी वीकनेस है दिल्ली कैपिटल्स की। हालांकि दोस्तों रबाडा के बिना भी इस टीम की फास्ट बॉलिंग लाइनअप अच्छी खासी चल रही है, और इस मैच में भी उम्मीद करेंगे कि दिल्ली कैपिटल्स की फास्ट बॉलिंग जो है वो वैसा ही परफॉर्म करे जैसा कि रबाडा के रहने पे किया करती थी। तो दोस्तों दोनों ही टीम के वीक पॉइंट्स की हमने बात करी इस वीडियो में। अब इस वीडियो को देखकर आपको क्या लग रहा है कौन सी टीम सबसे ज्यादा वीक है इस मैच में, आप अपनी राय जो है वो कमेंट कर जरूर दें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।